ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मदन सिंह। मदन सिंह, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, आप तक किस निष्कर्ष पर पहुंचा है पुलिस प्रशासन? जी देखिए, निश्चित तौर पर एक घंटे पहले की एक हफ्ते पहले की जो घटना हुई थी, हमारे जो सांसद हैं खंडेरी जी है, उनका जो है ट्विटर अकाउंट जो हैक करने की बात हुई थी। या ये कहा जा सकता है कि उनका जो ट्विटर अकाउंट था ही नहीं, लेकिन एक फर्जी ट्विटर अकाउंट जो उनका बनाया गया, और उसके जो ये मैसेज जिस तरीके का आया है उसमें ये कहा गया था कि खंडूरी जी जो है उन्होंने कहा था कि मैं जो आजीवन अपनी जो है पार्टी के लिए कार्य करता रहा, संगठन के लिए कार्य करता रहा और निष्पक्षता से मैंने कार्य किया है, लेकिन अब जो है पार्टी या संगठन मेरे उस कार्य का सिला मेरे को मिला नहीं, और इस तरीके के कई जो है ट्वीट किया गया था, जिससे कि उनके सुपुत्री जी हरी खंडूरी जी की ये विशेषकर से विधायक भी है, उन्होंने यहाँ नहरकुल थाने में ये एक मुकदमा दर्ज कराया था, एक अज्ञात मुकदमा यहाँ पर दर्ज कराया गया था। ट्विटर वालों को जो है एसएसपी ने इसका संज्ञान लिया, और ट्विटर अकाउंट की जो बात है ट्विटर वालों को जो है एसएसपी ने वहाँ से रिप्लाई किया था कि इसकी पुष्टि की जाए, इसकी जानकारी की जाए, हालांकि ट्विटर से अभी तक कोई इसकी जानकारी या पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये सही अकाउंट था या नहीं था। लेकिन निश्चित तौर पर ये सवाल एक खड़ा होता है कि जिस तरीके से खंडूरी जी का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है, इस अंदर उसमें जनता से उनको प्यार मिला, और जिस तरीके का यहाँ पे नारा दिया गया था कि उत्तराखंड में खंडूरी ही जरूरी है, तो कहीं ना कहीं खंडूरी जी का एक लगाव और जनता के प्रति प्रेम, और जनता का जो है खंडूरी जी के प्रति प्रेम यहाँ साफ झलकता था। पर जिस तरीके से 2012 के चुनाव में जो है खंडूरी जी की हार हुई, उसके भी कई सवाल खड़े किए गए थे कि कहा जा रहा था हालांकि एक अफवाह थी या एक सही था, ये उसकी पुष्टि करना अभी जो है ये एक राज की बात है, लेकिन ये बात सामने आई थी कि खंडूरी जी के जो वहाँ से कोर्ट द्वार से जो है जान उसके हरवाया गया था, तो कहीं ना कहीं नाराजगी खंडूरी जी के अंदर थी, और जिस तरीके का ट्वीट आया है उससे भी ये बात जो है स्पष्ट कहीं ना कहीं होती है कि कहीं ना कहीं खंडूरी जी ने नाराजगी हो सकता है जाहिर की है, लेकिन जब एक खंडूरी जी ने यह मुकदमा दर्ज कराया कि उनका कोई ट्वीट अकाउंट है ही नहीं, तो इस बात की जो है पुष्टि हुई है कि ये एक फर्जी ट्वीट था, और जिस तरीके से एसएसपी जब एसएसपी या पुलिस प्रशासन इस मामले में बिल्कुल जुटे हुए थे तब से, लेकिन अभी तक जो है बात तो निकल के सामने नहीं आ पाई, या ट्विटर अकाउंट के अधिकारी को भी स्पष्ट तौर से कह दिया गया था कि उससे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक ट्विटर अकाउंट का कोई जो है रिप्लाई वहां से नहीं आया है। जी जी मदन जी, जो ट्वीट है ये फर्जी है या नहीं तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक बीसी खंडूरी का क्या कुछ कहना है, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा है? ये निश्चित तौर पर खंडूरी जी का ये कहना था कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट है ही नहीं, ना मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया है, एक फर्जी ट्विटर अकाउंट है और लोगों की एक चाल है, और मेरा जो प्रेम है जनता के प्रति उसको कहीं ना कहीं जो लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये जो है बात ये सामने आई है कि ये एक फर्जी अकाउंट था और इसमें खंडूरी जी की किसी तरीके की कोई हामी नहीं है। जी जी, तो इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कितना और समय लग सकता है, और बड़ा सवाल ये यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है जांच में? ये निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है कि जो कि एक पुलिस सांसद है, एक बड़े नेता उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं, उनका मामला जो है सामने आया है, लेकिन एक हफ्ता हो गया है लेकिन पुलिस अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं ले पाई, खाली एक इतनी सी बात कहती कि हमने ट्विटर अधिकारियों को जो है शिकायत दर्ज की या समन भेजा है या कहा है कि हमको इसका रिप्लाई कीजिए, वो खाली एक इस बात को लेकर बैठ गए हैं कि जब ट्विटर से रिप्लाई आएगा तो इसके आगे की कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ये चूक है और इसमें कहीं ना कहीं देरी की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन जी तमाम जानकारी के लिए।